हैं, उसकी क्या खासियत है बताओ। देखी रहस्यमयी गुफा। हेलो एवरीवन, कर दो यार। हेलो, तो आज हम सब लोग जा रहे हैं घूमने, नेचुरल वाटर पूल में हम नहाने जा रहे हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है, एक्साइटेड हो आप लोग? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अभी से मज़ा आने लगा, हम सोचेंगे तो और मज़ा आएगा। तो हमारे भैया को तो अभी से मज़ा आने लग गया है, बिल्कुल एक्साइटेड हो रखे हैं नहाने के लिए। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, ज़्यादा चलते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, दिख नहीं रहे हैं, हम पीछे हैं, तो चलिए वहीं पर मिलते हैं। पर हम लाल कोटी पहुंच चुके हैं, जो कि खटीमा में स्थित है, काफ़ी फेमस है ये। यहाँ पे नदी बह रही है और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी हमें और आगे जाना है, हम जा रहे हैं धनुष पुल, तो चलिए चलते हैं। और नदी के किनारे किनारे चलते हुए हम पहुंच चुके हैं धनुष पुल। आइए मैं आपको दिखाती हूँ धनुष पुल कैसा दिखता है। इसको धनुष पुल क्यों कहा जाता है, इसका नाम ही ऐसा है जिससे कि पता चल रहा है इसे धनुष पुल क्यों कहा जाता है, यही इस पुल की खासियत है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसा है धनुष पुल। तो गाइज, ये है धनुष पुल जिसके अंदर से हम जा रहे हैं। काफ़ी पतला रास्ता है, बस मुश्किल से गाड़ी निकल रही है। ये पुल है, यहाँ पे नदी बह रही है। कौन से नहर, नीचे से नदी। ये हमारे साथी हमसे पहले पहुंच गए हैं, ये कोई और है, लेकिन ये हमारे साथी नहीं है। ये धनुष की क्या खासियत है बताओ। ये धनुष जो है पुराने उसमें जो है डिजाइन किया गया है आर्च में, इसके नीचे कोई पिलर नहीं है, एक ही आर्च बनाया हुआ है और आर्च से नीचे को स्तंभ लिए हुए हैं जिससे पुल लटका हुआ है उसमें। और पूरा जो है जो धनुष बना हुआ है, धनुष पे इस पुल का वजन है, उसके वजह से ये पुल रुका हुआ है, नहीं तो ये इतना लंबा जो है स्पैन नीचे गिर जाता। ठीक है, काफ़ी मोटी बीम है। और ये नहर की खासियत ये है कि ऊपर ऊपर नदी है और नीचे से नहर का पानी जो है नीचे से अंडरग्राउंड करके साइपन बना करके पार किया गया है। पानी का बहुत बहाव तेज होता है यहाँ पर, जहाँ कहीं साइपन होता है तो ये प्रेशर से पानी अंडरग्राउंड होते हुए पार जाता है। ये बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पर पानी का बहाव हो जाता है। ये देखिए, ये सामने जो है ये जगूड़ा नदी है, शाम के दिनों में इस पर पानी इतना बहाव तेज होता है कि ये पहाड़ के किनारे की नदी है, इसमें बहुत तेज बहाव रहता है। ये जो देख रहे हैं आप, इस पुल के बीच में जो पटरी पड़ी हुई है रेलवे लाइन की पटरी, पुराने ज़माने में नदी ही एक जो है परिवहन का वो माध्यम था। तो वन विभाग के या कोई भी वो लकड़ी का चिराम जंगल में किया जाता था पहाड़ों पे, तो उसको नदी में ही डाल दिया जाता था लकड़ी को, और वो पानी में बहते हुए आती थी, तो यहाँ आकर के उसको लकड़ियों को निकाल लिया जाता है, जैसे रेलवे के स्लीपर वगैरह थे, तो यहाँ पर निकाल करके ये छोटे छोटे डिब्बे होते थे, उनमें लोड करके ये इसको जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाता था। ऐसे ही धनुष पुल के बीच में भी जो है ये छोटी वाली पटरी पड़ी हुई है। अच्छा, तो वो जो है फिर इस तरह से पार की जाती थी। तो ये नदी यहाँ से तेज बह रही है और यहाँ ये अंडरग्राउंड हो गई है। हाँ, ये नीचे जा रही है और उस पार निकल रही है। अवस्था कितना पानी, ये जो है बनबसा जहाँ पर बैराज है वहाँ से ये इस नहर का वो किया गया है, नहर वहाँ से निकाली गई है बनबसा बैराज से। उसके बाद ये आगे जा कर के एक खटीमा से पूरब साइड में एक लोहिया हेट जगह है, लोहिया हेट जगह में जो है पावर हाउस बनाया गया है, विद्युत उत्पादन होता है। तो ये नहर मेनली
उस विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई है, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है ये। उसके बाद आगे जाकर यही नहर से आगे दो नहर बना दी गई हैं, एक शाहजहाँपुर ब्रांच और एक हरदोई ब्रांच। तो फिर जो है ये खेतों में पानी सिंचाई के लिए वो नहरों का काम आता है। तो दो दो पर्पज सीधे हो रहे थे, एक तो विद्युत उत्पादन और शाहजहाँपुर ज़िला और हरदोई ज़िला के जो है सिंचाई। गोला गोकरणनाथ को भी एक नहर निकाली गई आगे जा करके, तो गोला खीरी वहाँ तक जो है इसी नहर से जो है भूमि की सिंचाई होती है। तो आप लोगों ने यहाँ की खासियत तो सुनी ली पापा के मुँह से, क्या यहाँ की खासियत है ये नहर की क्या है? ये कैसे बिना ऊपर से धनुष बनाया है उस पर लटकाया हुआ है, और नीचे कोई भी इसमें पिलर नहीं है, हवा में उड़ता हुआ पुल है ये इसी पैटर्न पे जो है हावड़ा का ब्रिज बनाया हुआ है। वो तो बहुत ही हुबली नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन उस पर भी बीच में कोई पिलर नहीं है, और ऊपर से उसमें इसी तरह का वो बनाया गया स्लैब पुल जो है ऊपर के उसमें जो है रेलवे लाइन एक ही और एक ही जिसमें रेलवे के डब्बे आते थे जिसमें सामान लोड हुआ करता था इस नदी से। काफी तेज बहाव है इस नदी का। यहाँ पे हम लोग आए हैं पिकनिक मनाने, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी सब लोग पुल घूम के आए हैं और अब यहाँ आके बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसकी भी खासियत बताई जा रही है, ये पेड़ पुल के उस पार और एक इस पार जो काफ़ी बड़े हैं, और ये काफ़ी पुराने टाइम के लगे हुए हैं। जामुन के पेड़ हैं जो कि साइज़ में इतने बड़े हैं, वरना आप लोगों ने कभी जामुन के इतने बड़े पेड़ नहीं देखे होंगे। वो तो मतलब होते हैं बड़े पर इतने नहीं होते, तो इनकी भी कुछ खासियत ही है यहाँ पे। सालू अभी बहुत लंबी लाइन है, लगे रहना। गाइस आप लोग ये मछलियाँ देख पा रहे हैं, हल्की सी शेडो जैसी जा रही है, बस चली गई। गाइस हम लोग यहाँ नीचे पुल के नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ हम पानी में पैर हमारे बड़े ही मज़े आ रहे हैं। यहाँ पे सब लोग बड़े इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, वरना तो यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। आपके पैर में लगी गाइस, इस पुल में जब कोई भी व्हीकल आता है बड़ा तो हमें पुल के साइड में होना पड़ता है और फिर तभी ये क्रॉस कर पाते हैं। गाइस अभी हम लोग धनुष पुल घूम के आए हैं, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं लाल कोठी, वहाँ पे हम देखते हैं नहाएंगे वगैरह, और वहाँ पे एक है अंधरा पुल जो कि नदी के अंदर अंदर है, जिसमें लोग पुराने टाइम में निकला करते थे जो उस पुल से, अभी भी शायद जाते हैं। अगर निकलते होंगे तो हम भी अंदर जाएंगे और आपको वीडियोज़ भी दिखाएंगे उसके अंदर कैसा क्या है। तो चलो चलते हैं, चलो उधर नदी चल रही है, इधर हम चल रहे हैं। तो गाइस हम लोग अंधरा पुल में हैं, पहुंच चुके हैं। वो आप देख रहे हैं कुछ होल जैसे दिख रहे हैं, वो ही अंधरा पुल है, और इसी के नीचे से पहले के टाइम में लोग निकला करते थे। ऊपर नदी बहती है, उसके नीचे से जो पहले के टाइम पे वो होते थे बैलगाड़ी वगैरह, उनको लेके निकला जाता था। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तीन होल हैं, इन्हीं से निकला जाता था। ये इधर जंगल है पूरा, और ये हमारे साथ ही नीचे उतरते हुए। क्या आप लोग अंधरे पुल में जाने के लिए तैयार हैं? वो देखिए और लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर और लोग जाते हुए, और ये भी जा रहे हैं। ये
देखिए हमें इसमें उस साइड का क्लियर दिख रहा है और जिसके ऊपर से नदी बह रही है। तो ये सब लोग अंदर जाते हुए, हमने भी अपने स्लीपर्स वगैरह खोल दी हैं, अब चलते हैं अंदर। तो ये देखिए सभी लोग जाते हुए, इतना सारा पानी है। और ये ऊपर कहते हैं जब चिल्लाते हैं तो पानी की बूंदें गिरती हैं ऊपर से। तो अभी हम लोग पुल के अंदर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं सभी लोग चल रहे हैं, नीचे पानी है और सब लोग चिल्लाते हुए जा रहे हैं। ऐसा बोला जाता है जब इसमें बहुत तेज चिल्लाया जाता है तो ऊपर से पानी टपकने लगता है, बूंदे गिरने लगती हैं। और आप देख भी रहे होंगे ऊपर सीलन जैसी है, गीला है। और हम लोग इसमें चलते हुए, नीचे पूरी फर्श बनी हुई है, हम इसमें चल रहे हैं। पहले के टाइम ये देखिए पानी गिर रहा है। पहले के टाइम पे जो बैलगाड़ी वगैरह होती थी उन्हीं को लेके लोग इसमें से निकला करते थे और पुल के उस पार जाया करते थे। तो ये बहुत ही पुराने टाइम का है, अंग्रेज़ों के टाइम का। और इसमें हम चलते हुए निकल रहे हैं उस पार, बहुत ही ठंडा पानी है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। देखिए सामने से डॉगी भी आ रहा है और आधे लोग आगे निकल चुके हैं, अब पानी भी अब कम होता जा रहा है। ये देखिए इस ठंडे ठंडे पानी में ये कुत्ता भी आया है, ये भी पानी के मज़े ले रहा है, पता नहीं इसको भी डर लग रहा है इसलिए यहाँ रुक गया है। क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ कुछ नया देखा? ये पूरा ईंट का खड़ंजा टाइप पड़ा हुआ है, इसी में चल के हम पार करें हैं इस पुल को। और आगे भी अभी काफ़ी लंबा है, अभी तो हम आधे में ही आए होंगे। और अब हम बाहर निकल ही चुके हैं, काफ़ी सारी ब्राइटनेस आ रही है आगे से। ये है नीचे का, बीच में थोड़ा ऊंचा है, साइड से ढलान है और ये टनल कह सकते हैं, काफ़ी प्यारी है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ देख के, अपनी पुराने टाइम की धरोहर ही है ये जो हम आज देख पा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ आके? बहुत मज़ा आया। सही बात है, इतना साफ पानी है, क्लियर दिख रहा है, नीचे की फर्श आप देख पा रहे होंगे। हाँ, आपको हमारी आवाज़ भी गूंजती हुई लग रही होगी। और अब हम वापस सो रहे हैं इस टनल से, उस तरफ आप उजाला देख ही रहे हैं। गाइस सच में मज़ा ही आ गया यहाँ आके, हमने कुछ नया देखा, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना जो हमारे उत्तराखंड में है खटीमा में। बड़ा ही मज़ा आया यहाँ पे, ऊपर से पानी रिस रिस के आ रहा है, फिल्टर होके आ रहा है पानी, इसलिए ये पानी साफ है। ये यमुना नदी का पानी है, शारदा यमुना काली। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई जगह सुनी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये पानी यहाँ से गिर रहा है टप टप यहाँ। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई जगह सुनी हो जिसमें ऐसे टनल बनी हो, नीचे से लोग निकलते हों और ऊपर से नदी बहती हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम भी जानना चाहेंगे ऐसा कहाँ पे है। और आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो घूमने ज़रूर आएं, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को एंजॉय करने। हमारे साथी लोग आगे आगे बातें करते हुए चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं और हम ये लाल कोटी पहुँच चुके हैं। आगे लगता है उत्तराणी मेला, यहीं पर उत्तराणी मेला लगता है। उस मेले में क्या क्या होता है पापा? ये आप देख रहे हैं जितना इस पुल की लंबाई है उतना लंबा ही हम नीचे पुल पार करे थे पैदल पैदल, अभी मैंने आपको दिखाया अंधरा पुल।
इसी नदी के नीचे हम थे, पैदल पैदल चल रहे थे। ये ऊपर नदी है, नीचे से हम पैदल चल रहे थे और इतनी ही उसकी लंबाई थी। ये हम नहाने वाली जगह पे पहुंच चुके हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ पे नहाएंगे, काफ़ी तेज़ फ्लो है यहाँ पानी का। दरवाजे खोल रखे हैं और देखिए कितना तेज़ पानी वहाँ पे आ रहा है। और आगे ये नदी, और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, बेटा यहाँ पर मत नहाना, हम घर पर आपकी राह देख रहे हैं, आपके माँ पापा। देखते हैं, वो देखिए गाइस, वहाँ पे लोग नहा रहे हैं जो कि बिल्कुल मना कर रखा है काफ़ी तेज़ बहाव के कारण, और वहाँ लोग नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये देखिए सामने गाइस, ये है पावर हाउस, यहाँ से हम देख पा रहे हैं वहाँ पे बिजली बनती है। ये यहाँ नदी आ रही है और सामने ये है लोया हेड पावर हाउस। ये जो नहर बनाई गई है, जब पावर हाउस में कोई गड़बड़ी होती है तो वहाँ से पानी रोक करके इस लाइन फिर नहर में पानी डाइवर्ट कर देते हैं इस साइड, इस वजह से ये नहर जो है एक उसमें बनाई गई है, सही नहर। आगे जा करके दोनों नहर एक में मिल जाती हैं, ऑप्शनल है ये उसके लिए। इसका ऑप्शन ये है कि ये कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई अगर खराबी हो कभी या सफाई करना उसकी, तो पानी को इधर डाइवर्ट कर दिया और वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। इसको इस नहर का नाम सूखी नहर। जब हम घर वापसी कर रहे थे तो हमने नदी किनारे देखे हिरन जो जंगल से बाहर पानी पीने आए थे। बड़ा ही अच्छा लगा हमें उन्हें देख के, पहली बार हमने हिरन देखे। हाँ, थोड़ी क्वालिटी सी बेकार आई है क्योंकि हम नदी के इस पार थे और वो दूसरी साइड थे। तो गाइस इतना तो सपोर्ट कर दीजिए कि मैं आईफोन ले पाऊँ और आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियोज़ दिखा पाऊँ। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। हमने सब घूम लिया, सारी नदियाँ देख ली, पुल देख लिए और अब हम जा रहे हैं घर वापस। रास्ते में हिरन भी देखे, बड़ा ही मज़ा आया, पहली बार हिरन देखे। अब ढूंढ रहे हैं हम मोर भी दिख जाए यहाँ पे, काश मज़ा ही आ जाएगा। और हमने कहीं पे भी नहीं नहाया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मन नहीं हुआ नहाने का। तो अब हम ऐसे ही इंजॉय करके घर वापस जा रहे हैं। और आप लोग भी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट्स करें कैसा लगा आपको वीडियो। तो इसी के साथ बाय बाय।